ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट प्रीतोष। एंड भाई, आज तो हम वीडियो शुरू ही नहीं किए थे, पता नहीं हमें क्या हो गया था। हाँ, आज सुबह 5:30 को ऐसे पहुंचे रूम एंड आके सो गए, फिर तैयार चार हो गए, अब निकल रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने का टाइम ही ना मिला यार। अभी टाइम हो रहा है 8:43 है, 2 पॉइंट आने की 2-3 लीटर के करीबन इसे ही रहने देते हैं। 9:51 को पहुंचेंगे, 47 किलोमीटर, 3 लीटर है, 47 किलोमीटर आसानी से चल जाएगा। अगर आपको डर लगता है तो बोतल में पेट्रोल भर लेंगे, ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं। एंड जम्मू स्टेशन की तरफ इसीलिए जा रहे हैं कि हमारा 2 टिकट्स है, अगर वो दोनों से एक भी कंफर्म हो गया तो इस बाइक को लोड करवा देंगे, अगर नहीं हुआ तो भाई ख़त्म। तो भाई हम चलेंगे अमृतसर, एंड अमृतसर चल के बाबा जी का दर्शन करेंगे एंड कल शाम को बॉर्डर जाएंगे एंड फिर कल रात को ट्रेन देखेंगे। सो निकलो यार, जय श्री गणेश। दिमाग थोड़ा सा सुन पड़ चुका है, डाउन है, क्योंकि जस्ट 2 घंटे ही सोए, 2 घंटे में उठ गए, फिर थोड़ा सा बैठे, तैयार श्यार हुए एंड अब निकल रहे हैं आप लोगों के लिए घूमने। नहीं यार, मैं खुद के लिए घूमता हूँ बस, एंड ये वीडियोस तो आप लोगों के लिए होता है, लेकिन मैं तो घूमता हूँ खुद के लिए। एंड ये रोड काफ़ी ब्यूटीफुल है, आप कटरा से अगर जम्मू की कोई भी वीडियो देखे होंगे ना ट्रेन वाली, ओ हो भाई साहब, वो तो मज़ा ही आ जाएगा। फिलहाल लेफ्ट नहीं, राइट हैंड शोल्डर पे ना ये बैग का रात भर जो पकड़ के मैं चला हूँ, इतना ज़्यादा निशान पड़ा है कि अब ब्रासेस हो रहा है, बहुत ही ख़तरनाक है, कुछ करना पड़ेगा उसको। पेट्रोल मैं ले लिया हूँ, बोतल पे है अराउंड 100 रुपये का, 97 का आया तो ठीक है, पेट्रोल का हो गया। अब पेट्रोल का कोई टेंशन नहीं, ख़त्म भी हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। वी आर मॉस्ट विथ NH44 जिसे हम कल छोड़ के गए थे, एंड अभी हम मूव ऑन हो रहे हैं जम्मू की तरफ। लेट्स गो मैन, जम्मू। एंड हियर इज आवर फर्स्ट टोल ऑफ द डे, टोल तो हमें नहीं लगने वाला, एंड आपसे आज थोड़े कम बात कर रहे हैं, दिमाग की दही पड़ा हुआ है इसीलिए, कोई ना देखते हैं जो होगा सही होगा। ओहो भाई साहब, क्या व्यू है, क्या मस्त वाले नज़ारे हैं, देख के तो मज़ा ही आ गया गुरु। स्ट्रीट से होते हुए आए, कितना मस्त दिख रहा है ना नीचे से, गजब है गुरु, गजब है। हाँ, मैंने आपको कल बताया था ना कि श्रीनगर पे इतना ज़्यादा आर्मी क्यों डिप्लॉयड है। एक्चुअली किसी एक श्रीनगर के आसपास के इलाके में कोई बैंक मैनेजर को आतंकवादियों ने मार डाला है, तो उस हिसाब से सिक्योरिटी ज़्यादा है, ये गलत चीज़ है यार। आतंकवाद चीज़ होता क्या है, आई डोंट नो, मुझे समझ में भी नहीं आता और ना ही कब आएगा, क्या है ये, क्यों है ये। हम जैन के बॉर्डर क्रॉस करेंगे, ये हमारे बे औलाद, करीबन 6-7 दिन से इंटरनेट नेटवर्क नहीं था इसमें,
ये आ जाएगा जैसे हम पंजाब एंटर होंगे। सो हैप्पी नेटवर्क डे एंड 208 किलोमीटर फिलहाल 1032 हुआ है। बस जम्मू सिटी को क्रॉस करते हैं फिर आपसे बात करेंगे। 195 किलोमीटर बचा है एंड अकॉर्डिंग टू मैप 3 बज जाएगा, 3 तो बज ही जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, आराम आराम से चलेंगे 60-70 की स्पीड से। एंड आज तो भाई माइलेज टेस्ट होगा, 2 ही डॉट है बस चल रहे हैं, बैग में 1 लीटर पेट्रोल है। फिलहाल इसी रोड में तो पेट्रोल पंप की कोई कमी नहीं है, पेट्रोल पंप बहुत सारे हैं। एंड बाबा गूगल के हिसाब से कुछ किलोमीटर जाके हमें कट जाना है, क्योंकि ये दिल्ली वाला हाईवे है एंड हमें दिल्ली नहीं जाना, हमें जानी है अमृतसर। यहाँ पे फ्यूल डाल रहे थे, यहाँ से 138 किलोमीटर बचा है, 2 घंटे 30 मिनट। सो 300 का ही फ्यूल भरवाए हैं, ज़्यादा ना भरवाए, कुछ पानी वानी पीते हैं। बहुत ज़्यादा धूप है यार, गाड़ी चला भी नहीं जा रहा है। ओ भाई यहाँ दे दे, 300 का डाला हूँ, 300 का डाला हूँ, 200 वापस करना है। 200? हाँ भाई साहब, ये पंजाब एरिया में तो हालत ही ख़राब है यार, गाड़ी चला भी नहीं जा सकता, इतने ज़्यादा धूप है। गए कहाँ पर रुकेंगे, पानी वानी, ठंडा पानी वानी मुँह पे मारेंगे, थम्सअप पियेंगे एंड फिर निकलेंगे। अरे 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 भाई का गाड़ी तो एकदम ख़त्म ही हो गई। कोई ना, लेट्स गो। यहाँ से 2 किलोमीटर बॉर्डर है जो कि जम्मू एंड पंजाब का, 2 किलोमीटर के बाद हम एंटर हो जाएंगे पंजाब। एंड पंजाब में भाई ट्रैफिक रूल बहुत ज़्यादा मानते हैं यार, वो अलग बात है कि कितना भी ट्रैफिक रूल मान लो, लेकिन डर तो आपको कश्मीर में ही लगेगा भाई साहब, इतना ज़्यादा सिक्योरिटी और क्या बताए। कोई ना, लेट्स गो एंड एंजॉय योर ड्राइव। खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, लेकिन बस खा लिए, ऐसे आपको हाईवे पे मिलता रहेगा, दिमाग फ्री हो गया। कल क्या करेंगे, कल सोचेंगे, आज जाएंगे सोएंगे, रात भर सोए नहीं है, अब जाएंगे सोएंगे, फिर रात को मार्केट घुमाएंगे आपको, अगर नींद खुली तो, ना खुली तो सोएंगे, कल घुमाएंगे आपको, बस ख़त्म। कल सुबह सुबह जाएंगे बाबा जी के पास माथा टेकने। यहाँ से 119 किलोमीटर बचता है हमारा डेस्टिनेशन। हाँ जी, थैंक यू। यहाँ पे लंगर चल रहा है माधोपुर, पठानकोट तो है, लेकिन कौन सा स्टेट है, कौन सा स्टेट है भाई, कौन सा स्टेट है, पंजाब है क्या? वी आर एट अमृतसर रोड एंड पठानकोट जस्ट अभी क्रॉस कर चुके हैं। इसके बाद एक गजब की बात है कि इस तरफ राइट हैंड साइड में करीबन, ज़्यादा नहीं, 2 या 3 किलोमीटर के बाद पाकिस्तान का बॉर्डर है। दैट्स द ट्रूथ बेबी। तो जिस जिसको पाकिस्तान का बॉर्डर देखना है वो पठानकोट से अमृतसर वाला रास्ते पे आ जाइए, हम आपको नहीं दिखाएंगे, खुद चल के जाके देखना पड़ेगा, नहीं तो अमृतसर में ऐसे भी देख लेंगे आप। आई थिंक दिस इज आवर सेकेंड लास्ट टोल प्लाजा, लास्ट तो नहीं बोल सकते, सेकेंड लास्ट टोल प्लाजा हो सकता है, क्योंकि यहाँ से जो है 90 किलोमीटर प्लस है, एंड 90 किलोमीटर प्लस में और एक होगा। या मैं तो ओवर हीट हो गया, अब तो मुझे छोड़ दे, चल बस 1 और घंटा फिर ख़त्म, पहुंच जाएंगे एंड तू और मैं दोनों ऐसे लगा के सो जाएंगे, और कुछ नहीं जी। यहाँ से है 69 किलोमीटर, 70
तो एग्जैक्ट एक घंटा ही लगेगा, उससे कम नहीं उससे ज़्यादा नहीं। लेट्स गो मैन। एंड ये दोनों भैया थे जो रास्ते में मिले थे, काफ़ी गहरी दोस्ती हो गई हमारी। एंड हम उन्हें ओवरटेक करके आगे निकल गए हैं। वेलकम टू अमृतसर। हम अमृतसर पहुंच चुके हैं और बिना फ्यूल डाले देखते हैं होटल तक जा पाता है या रास्ते में रुक जाता है। लेट्स सी मैन। करीबन 4 बजे तक हम पहुंच गए थे एंड कल का थकान भया गया नहीं है अभी तक, बिल्कुल हाथ पैर कांप रहे हैं अभी भी। फिलहाल तो मैं सो गया था, अभी हो रहा है रात के 8:44। 3-4 घंटे सोया रहा, फिर घर वालों से बात किया एंड उठने का मन नहीं किया। अब स्विगी से मैंने खाना ऑर्डर दिया था तो वो आए, तो उठा जब भाई चल नहीं पा रहा हूँ, ख़त्म है अपनी ज़िंदगी, ख़त्म है। कोई ना, चलते हैं क्या क्या ऑर्डर आया है देखते हैं। फिलहाल प्लेट हमारे पास नहीं है, कुछ जुगाड़ बनाना पड़ेगा। चलो देखते हैं क्या आया है। आपको मैं तो रूम टूर दिया ही नहीं, ये रहा रूम टूर, ये टीवी है एंड ये दरवाज़ा क्यों है पता नहीं, ये बाहर का दरवाज़ा है, ये किसका दरवाज़ा है डोंट नो। फिलहाल एक कबोर्ड है, एसी है, फैन है एंड बाथरूम है। ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, इतना है, देख लीजिए क्लीन है। तो चलो खाना खोलते हैं। तो भाई ये है चिकन बिरयानी, भाई साहब स्मेल तो अच्छी आ रही है, पता नहीं टेस्ट कैसा होगा। एंड दिस इज फ्रॉम बर्गर किंग, विंग्स है, 4 पीस विंग्स है एंड बिरयानी है। चलिए इसमें ही खाते हैं, देखते हैं कैसा खाना खा पाते हैं।